दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और हम देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास शिक्षा शास्त्र की जो तीन खंड है उसमें पहला खंड हमने आज लिया है बाल विकास का, जिस जो 15 अंक का है। और इसमें व्यक्तित्व और उसका मापन आज का टॉपिक होगा। तो दोस्तों अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर व्यक्तित्व की। और व्यक्तित्व में देखिए इसका अर्थ देखते हैं सबसे पहले कि व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का पर्याय, अर्थात जो पर्सनालिटी शब्द है उसका पर्यायवाची है व्यक्तित्व। यह जो शब्द है ये लैटिन भाषा के पर्सोन शब्द से बना है और जिसका अर्थ है बाहरी नकाब या वेशभूषा। पर्सनालिटी व्यक्तित्व का अर्थ है लैटिन भाषा में पर्सोना, और जिसका अर्थ होता है बाहरी नकाब या जो वेशभूषा होती है हमारी वह। जैसे या जब व्यक्ति सम्राट की पोशाक धारण कर मंच रंगमंच पर पहुंच जाता तो उसका व्यक्तित्व हमारी सामान्य दशा से भिन्न हो जाता। जैसा आपने रंगमंच में देखा, नाटक में देखा है कि व्यक्ति जब पोशाक धारण करता है और कोई राजा की पोशाक पहन लेता है, सम्राट की पोशाक पहन लेता है, तो हम उसे वैसा व्यक्तित्व का मानने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से यह मान्यता विकसित हुई है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की बाह्य गुणों के द्वारा माप की जा सकती। जो व्यक्ति के बाह्य गुण है, बाहर के गुण है, उससे हम उसको माप सकते हैं, नाप सकते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ एकांगी है। यद्यपि बाह्य गुणों का व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण योगदान है। जो व्यक्ति है बाहर के जो गुण है उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, किंतु केवल बाह्य गुणों को ही व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता। हम सिर्फ जो बाहर के गुण है उन्हीं को व्यक्तित्व नहीं कह सकते। व्यक्तित्व उनके संवेग, आचार विचार, सिद्धांत, मनोवृत्ति, व्यवहार, क्रियाएं, रुचियां और बुद्धि सभी कुछ समाहित है। ये सब कुछ समाहित होती है व्यक्तित्व में। इस प्रकार व्यक्तित्व में व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की क्रियाओं का संगठन सम्मिलित होता है, उसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। अब व्यक्तित्व की अनेक विद्वानों ने परिभाषा जो दी है उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहला हम प्रिंस मार्टन के अनुसार बात करेंगे कि व्यक्तित्व समस्त शारीरिक, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्तित्व है वो समस्त शारीरिक अर्थात शरीर से संबंधित, जन्मजात और अर्जित, अर्जित अर्थात हमने जहाँ से प्राप्त किया है, उन प्रवृत्तियों का जो योग होता है उन्हें हम व्यक्तित्व कहते हैं। मन के अनुसार है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीके, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। इन्होंने यहाँ पे ये बात कही है मन ने। आगे हम देखते हैं कि व्यक्तित्व जो है इसकी विशेषता क्या होती है, क्योंकि हमने अभी व्यक्तित्व का अर्थ पढ़ा। अब व्यक्तित्व की विशेषताओं की हम बात करेंगे। तो पहला हम देखते हैं आत्मचेतना की बात, कि यह व्यक्तित्व की पहली विशेषता है। इसी विशेषता के कारण मानव को जब जीवधारियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया गया है। जो व्यक्तित्व है हम में, उस व्यक्तित्व के कारण ही समस्त जो जीव है उनमें व्यक्ति को, मानव को प्रथम स्थान दिया गया है और उसके व्यक्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार किया गया है कि व्यक्तित्व की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि वह क्या है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, तभी उसमें व्यक्तित्व का होना स्वीकार किया जाता है। दूसरा हम सामाजिकता की बात करते हैं कि समाज में पृथक मानव और उसके व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई दूसरे समाज की मानव के बिना कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि मानव से ही समाज बनता है। मानव में आत्मा चेतना का विकास तभी होता है जब वह समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर क्रिया और अंतः क्रिया करता है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है और उन्हीं में वो क्रिया और अंतः क्रिया भी करता है। इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। आगे हम देखते हैं सामंजस्य की बात, कि व्यक्ति को न केवल बाह्य वातावरण से वरण, अपने स्वयं के आंतरिक जीवन से भी सामंजस्य करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो है सिर्फ बाह्य वातावरण, बाहर के वातावरण से ही वह सामंजस्य करता है। स्वयं के
आंतरिक जीवन से भी वह सामंजस्य करना पड़ता है उसे। सामंजस्य करने के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व में भिन्न भिन्नता दृष्टिकोण होती है, विभिन्न दृष्टिकोण गोचर होता है। यही कारण है कि चोर, डकैत, पत्नी, डॉक्टर आदि के व्यवहार और व्यक्तित्व में अंतर मिलता। आपने देखा है कि इनके व्यवहार और व्यक्तित्व में अंतर मिलता है। वस्तुतः मानव को अपने व्यक्तित्व की अपनी दशाओं, वातावरण, परिस्थिति आदि के अनुकूल बनना पड़ता है। दृढ़ इच्छा शक्ति की हम बात करते हैं कि यही शक्ति व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करके अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाने की क्षमता प्रदान करती है। इस शक्ति की निर्बलता उसके जीवन को अस्त व्यस्त करके व्यक्ति को विघटित कर देती है। जो ये शक्ति है वो व्यक्ति के जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है और व्यक्तित्व को विघटित कर देती है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे कि मनुष्य मनोशारीरिक प्राणी है, अतः उसके अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का होना एक आवश्यक शर्त होती है। आगे हम देखते हैं एकता व एकीकरण। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर का कोई अवयव अकेला कार्य नहीं करता, उसी प्रकार व्यक्तित्व का कोई तत्व अकेला कार्य नहीं करता। ये तत्व जो है तो वो शारीरिक है, मानसिक है, नैतिक है, सामाजिक और संवेगात्मक है। व्यक्ति के इन सभी तत्वों में एकता का एकीकरण होता है। सातवां हम देखते हैं कि विकास की निरंतरता। व्यक्ति के विकास में कभी स्थिरता नहीं आती। जैसे जैसे व्यक्ति कार्य, विचारों, अनुभवों, स्थितियों आदि में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। विकास की यह निरंतरता शैशवावस्था से जीवन के अंत तक चलती है। शैशवावस्था आने जब आप जानते हैं शैशवावस्था किसे कहते हैं, हमने वीडियो में समझाया है। ऐसा समय कभी नहीं आता जब यह कहा जा सके कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास या पूर्ण निर्माण हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने देखा कि व्यक्तित्व क्या है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।